सबसे पहले मेरे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, सारण साहब, कसवा जी, एटीएम सर, यहाँ बैठे हुए सभी शिक्षक बंधु, बच्चों, सबको बिना शब्दों से बंधने वाला प्यार, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जिंदगी में हर आदमी खुद को और अपने परिवार को गोली देने मास्टर होता है। इस दुनिया में सबसे जल्दी बेवकूफ बनाया जाता है अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और खुद को। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाया, नहीं तो पता नहीं क्या कर देता, मेरे पास ये होता तो पता नहीं क्या कर देता। चलो जी, मैं एक वीडियो दिखाता हूं, क्लिप आपको एक मिनट की, एक छोटा सा वीडियो है। मतलब बहानेबाजी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं जिंदगी में। सफलता के लिए बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं जब मैंने मेरे पिता को गोली दी होगी। मेरे पिता टाइट थे, नहीं माने तो यहां खड़ा हूं। जिनके पिता मान लेते हैं वो यहां नहीं आ पाते हैं, फिर कितना ही है। आदमी बहानों से बाहर, जानते हो बहानाबाजी, जो गोली देना कहते हैं अपनी भाषा में। एक डेढ़ साल की बच्ची भी शायद है नहीं। अब आप वीडियो पे आ जाओ। ये गुड़िया है, शायद इसके चेहरे से लग रहा है कि साल डेढ़ साल गुड़िया है। इस गुड़िया के दोनों हाथ नहीं है और ये वीडियो है, कोई कहानी नहीं है। तो वीडियो तो बना हुआ, इसका मतलब रियल है, इसलिए मैं रोमकार वीडियो के साथ लाइव बात करते हैं। इस गुड़िया के पास दोनों हाथ नहीं है, फिर एक स्पून से चम्मच से ये भोजन करने का प्रयास कर रही है, फिर एक स्टाइल से भोजन करना चाहती है, उस स्टाइल से वो भोजन इसके मुंह तक नहीं पहुंचता है, रोती नहीं है। तो इस गुड़िया ने आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए। एक साल की बच्ची जिसके दोनों हाथ नहीं है, ये खाना आपके मुंह तक स्पून से नहीं पहुंच रहा है, यदि आप रोने लग जाओगे तो आपके हाथ तो वापस नहीं आ सकते ना, हाँ या ना। आप अपना वे चेंज करें, सफलता का रास्ता बदलें। इस गुड़िया ने बदला है, वीडियो ये जिंदगी है, जिंदगी इसी का नाम है। जिसके ये पल्ले पड़ गए वो सफल है। फिर से बात को रिकॉर्ड कर दूं कि ये रोती तो इसके हाथ आ जाती है क्या? तो तेरे नंबर नहीं आते तो नंबर रोने से नहीं आएंगे। यदि रोने से नंबर आते, उसे से इसमें हमारी बेटियां थोड़ी भावुक होती, नंबर नहीं आते ही गंगा जमना शुरू हो जाती है उनकी। हाँ, मैं बच्चों में रहता हूं, मैं एक एक बच्चे को जानता हूं। मेरे को मेरे यहाँ रूम में, जो मेरे चैम्बर में पता है सब बच्चे घूमते रहते हैं, कोई मनाही नहीं होती। मेरे यहाँ वो लड़की बेटी आएगी, मैं कहता हूँ रोती भी नहीं आएगी, पहले रोना बंद कर फिर बात करते हैं अपन। मैं रोते बच्चे से बात नहीं करता कि रोने से नंबर आएंगे तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास रोने की लगा देंगे एक दिन, फिर अपने 6 पीरियड के बजाय 7 पीरियड कर देंगे। एक पीरियड किसका है? रोने का है। बच्चों, आप उस वीडियो पे कंसल्ट फिर से करें, एक बार फिर याद करें वीडियो को, कि इस गुड़िया के चेहरे पे हंसी है। किस बात की हंसी? कि मैं मेरा दूसरा बेटर ऑप्शन ढूंढ पा रही हूं। और ये दादा दादी भी कहते हैं कि गांव में कहावत है, रोतो जाज को मरने खबर लावे, जो रोता हुआ जाता है मरने खबर लाता है। दोस्तों, अभी ओंकार ने कहा ना कि पुरजोर कमजोर लोगों के सर पे ताज नहीं होते। कभी भी मायूस चेहरे से, लटके हुए चेहरों से जंग नहीं जीती जाती। जंग से मतलब कॉम्पिटिशन से, पढ़ाई से, मार्क्स से। और एक पिता के नाते एक बात कहूं, एक बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वो चाहे मजदूर हो चाहे कलेक्टर हो। एक पिता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, केवल अपनी औलाद का लटका मुंह कते बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसको एज ए फादर कह सकता हूं। जिंदगी में गांठ मान लो इस चीज को। कुछ बच्चे इसलिए दुखी हो जाते हैं, पापा क्या सोचेंगे, पापा तो पता नहीं तेरे नंबर का माने कुछ सोचेगा, बट तू उनके सामने लटका चरा लेके जाएगा तो उससे लगता है कि यार मैं कहीं कमजोर बाप हूं क्या कि मेरी औलाद को खुश नहीं कर पाया मैं। वो अपने आप पे प्रश्न खड़ा करता है कि यार मैं इतना सक्षम हो गया क्या कि मेरे रहते मेरे बच्चे की आंखों में पानी है। और वो शायद प्यार से कहते होंगे, मैं हूं ना यार, मैं हूं ना। जिंदगी में एक डायलॉग है मेरा, जिंदगी में जिसके पास एक व्यक्ति ऐसा हो, आपका पिता हो सकता है, वो एटीएम से टीचर हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, वो आपके गुरु हो सकते हैं। टीचर और गुरु दो चीज है, ये टीचर और गुरु दो हैं भाई, अलग अलग हैं। ये टीचर जो हमें किताबें पढ़ाते हैं, गुरु वो जिंदगी पढ़ाते हैं। ये दोनों एक हो सकते हैं, बहुत से बच्चों में एक भी होते हैं।
जब मेरे गुरु ये है, मुझे पढ़ाया नहीं कभी, लेकिन मैं जो कुछ उनके देन हूं आज। यदि एक व्यक्ति जिंदगी में आपके पास ऐसा हो बच्चों कि आपको ये कह दे मैं हूं ना यार, तो लगा रहे। मेरी लाइफ का अनुभव है, आदमी जिंदगी मात नहीं खाता है। इसलिए मैं कहता हूं आदमी को थोड़ा सा आस्तिक होना चाहिए। ईश्वर है ना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता कि बैंक में जो आदमी पैसा डालता है, विषम परिस्थिति में वही आदमी बैंक में जाने की हिम्मत रखता है। जिसका बैंक में पैसा डाला हुआ ही नहीं है, वो विषम परिस्थिति में पैसे की जरूरत है, वो बैंक से जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा कि वो बैंक में पैसा डाले नहीं। रिश्तों में भी ऐसी बात होती है। रिश्तों में किसी को रिगार्ड दोगे, ईश्वर की कभी वंदना करोगे, कभी किसी मस्जिद नमाज पढ़ोगे, किसी मंदिर के चौगट पे जाके माथा टेकोगे, तो दोस्तों अच्छे बुरे वक्त सबके आते हैं। तो उस दिन फिर आपको लगता है कि ए भगवान, मैंने तेरे उस दिन याद किया था, मेरा तुझ पे एहसान है, मेरा एहसान वापस दे दे। मांगा तब जाता है जब कुछ दिया हुआ होता है दोस्तों। अब यहां एक बात चलती है फिर से, मुझे पता आप वाली पीढ़ी है ना, इस बात को थोड़ा मानती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर कुछ नहीं होता, मेहनत वेहनत ये सब। तो चलो, जो लड़के 12th क्लास के हैं, मेरे आपको खुद की कसम है, आपने 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया था। ऐसे कितने लोग थे जो 10th की बोर्ड के एग्जाम के समय भगवान के हाथ जोड़ के एग्जाम में नहीं गए थे? आपने कहीं ना कहीं पेरेंट्स को नमस्ते की होगी, प्रणाम किया होगा। एक पावर ऐसी होनी चाहिए आपके पास जिसके सामने आप अपना सर झुका सकें, जिसको आप अपने आप से बड़ा समझ सकें, और आप अपने हाथों में सेफ, उनके हाथों में सेफ महसूस करें। कैसे? एक सीन देखो, एक 1.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, उसको हम लोग खिलाते हैं। आप भी इतने बड़े हो खिला सकते हो। हम उसको खिलाते हैं, उसको ऐसे उछालते हैं, हंसता है ना, देखा हो परिवारों में, एक 6 महीने के बच्चे को आप ऐसे उछालो, मम्मी या चाचा उसको उछालते जो कैपेबल है, तो वो बच्चा हंसता है क्योंकि उसको पता है कि मैं हाथों में सुरक्षित हूं। ये आपका मूल करेक्टर है, इंसान का मूल चरित्र है विश्वास। मम्मी चाचा ताऊ मामा जो भी उछालता है, हम हंसे थे, हंसते थे, अब भी बच्चे हंसते हैं। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं, तुम्हारा कोई जानकार या तुम्हारा टीचर या तुम्हारा मिलने वाला तुम्हें छत से लटका के हाथ पकड़ ले, तुम रोते हो, छोड़ मत देना, क्योंकि तुम समझदार हो गए। दोस्तों, समझदारी में अविश्वास पैदा मत करो। मेरी बात का सार है, सबसे पहले अपने टीचर्स पे विश्वास करें, अपने आप पे विश्वास करें। मैं दावे से कह सकता हूं जिंदगी की सारी सफलताएं आपके पास होंगी। सफलता विश्वास के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपके पास ट्रस्ट नहीं है, आप पे विश्वास नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। और एक बात सुन ला बेटा जी, आप इस परिवार में बैठे हो, ये एक पूरा बगीचा है। तो हम खेत की बात करें, बगीचा, हम सब गांव के बच्चे बैठे, हम खेत को जानते हैं। एक खेत में बाजरा भी है, मोठ भी है, मूंग भी है, और आपकी वहां सब्जियां भी हम लोग बनाते हैं, खेत वही है ना। बगीचे में आ जाते हैं तो एक ही बगीचे में नीम का पेड़ भी है, आम का पेड़ भी है, नींबू का पेड़ भी है, गुलाब, गुलाब की बात करें, एक ही क्यारी में सफेद गुलाब भी है, लाल गुलाब भी है। तो क्यों भाई, माली एक, बगीचा एक, हवा एक, खाद एक, पानी एक, फिर एक के यार 2 फीट पे लाल गुलाब लगा हुआ है, 2 फीट पे सफेद गुलाब लगा हुआ है, ये कौन डिसाइड करता है? माली अच्छी खाद दे सकता है, माली अच्छा पानी दे सकता है, माली अच्छा खेत खरीद सकता है। माली मतलब जो केयरटेकर होता है, अपने माली बोलते हैं, किसान बोल दो। लेकिन माली बीज के अंदर, दुनिया का कोई माली ऐसा नहीं है जो सफेद गुलाब के बीज में लाल गुलाब पैदा कर दे। यानी आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, सवाल ही नहीं है। इसलिए अपने आप को, अपने आप को यह कहो कि मैं इस भगवान की श्रेष्ठ कृति हूं, अहंकार में नहीं, कॉन्फिडेंस में। मैं भगवान की द्वारा बनाई गई सबसे श्रेष्ठ कृति हूं, और मेरी तुलना किसी से नहीं है। मैं टीचर से भी कहना चाहता हूं, बहुत से टीचर, बहुत से क्या ऑलमोस्ट छोटे एज मेरे से, इसलिए आदेश भी, जैसे एडमिशन कहते ना, मैं आदेश कर रहा हूं मेडल पहन लो, वैसे मैं उनको आदेश कर रहा हूं कि आप उस बच्चे को कभी भी कंपेयर नहीं करें, तुलना मत करो। अब आप साइंस के लोग हो, कीड़ेबाज हो, एग्जाम्पल दो कोई, इसने ऐसा कर दिया, ये कभी नहीं कहना। दोस्तों, तुलना क्यों नहीं करें बताऊं? आप पहले, हम छोटे थे तब गांव में अनपढ़ लोग खूब होते थे,
तो कहीं भी कोई गांव में काम होता था तो मेरे फादर तो खैर पढ़े लिखे हैं, मेरी मदर अनपढ़ है, तो अंगूठा लगाना होता था, मेरी माँ अंगूठा लगाती थी। तो ये समझ में आया कि भाई अनपढ़ आदमी अंगूठा लगाता है, जानते हो ना, बचपन में अंगूठा, भाई दादा अंगूठा लगा दो। तो दिमाग में सेट था कि अनपढ़ आदमी अंगूठा लगाता है, लेकिन यार अभी हमारा कोई बच्चा आईटी का फॉर्म भरता है तो थंब फिंगर, आधार कार्ड बनता है थंब फिंगर, खाता खुलता बैंक में थंब फिंगर। अरे भाई क्यों अंगूठा क्यों यार, हम तो पढ़े लिखे हैं, आधार कार्ड में सिग्नेचर नहीं चलते हैं, आपकी फिंगरप्रिंट थंब फिंगर चलते हैं, यार क्यों भाई गड़बड़े यार ये मामला। इस देश में 140 करोड़ हैं, एक थंब फिंगर, पूरा 140 करोड़ का आधार कार्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज है, ऐसा सरकार का मानना है, यानी सब एक सर्वर पे है। आप लगाओगे तो आप पकड़ में आ जाओ, आप एयरपोर्ट जाओगे आप लगाओ थंब फिंगर, आपकी पूरी कुंडली आ जाएगी। आप विदेश चले जाओ, सिंगापुर जाओ, कहीं जाओ, लगाओ थंब फिंगर, पूरी भारत की वेबसाइट जाएंगे वो पूरी कुंडली आ जाएगी आपकी। यार एक अंगूठा ये कितना अंग है, एक सेंटीमीटर गुणा एक सेंटीमीटर कितना होगा, ताक कितना है। आप एक बात हो मेरे को, अंगूठा क्यों लगाया जाता है, इस विश्व में जहां 9 अरब लोग हैं किन्हीं भी दो आदमियों का अंगूठे का निशान एक जैसा नहीं है। दोस्तों जब एक इतना छोटे से अंगूठे का हिस्सा एक जैसा नहीं है तो 2.5 फीट के ढांचे एक जैसे कैसे हो सकते हैं यार। ये तो आप एग्री करते हो ना, अंगूठा एक जैसा नहीं होता, तो कभी भी 2.5 फीट के ढांचे 6 फीट के ढांचे एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए रिक्वेस्ट है साथियों, बच्चे को कहो तू कर सकता है, किसने किया ये कोई मतलब नहीं। इसलिए प्लीज अपने आप के साथ बात करें। फिर अभी मेडल्स की बात आई, अभी एटीएम सर ने कहा कि ये मेडल पहन के रखो। यहां पे एक बहुत भावुक सी चीज देता हूं, एक चक दे इंडिया फिल्म है, इसमें शाहरुख खान नाम का हीरो, कभी नहीं दिखाई हो तो मैं चाहूंगा कृष्ण भाई इन बच्चों को आप चक दे इंडिया और दंगल, ये 2-3 मूवीज हैं, कभी दिखाना बैठ के। चक दे इंडिया में एक शाहरुख खान हीरो है, वो अपना कोई मैच हारता है, उस समय उसको मिलता है मेडल, मिलता सिल्वर का, फिर वो किसी गर्ल्स की टीम का, लड़कियों की टीम का कोच बनता है, वो टीम के फाइनल मैच के पहले वो अपने मेडल को घसता रहता है, उसके असिस्टेंट जो होती है वो कहती है सर ये तो आपके वर्ल्ड कप का सिल्वर मेडल है, क्या कर रहे हो आप इसके साथ, तो कहता मैं इसको घस घस के गोल्ड में चेंज कर रहा हूं। ये मेडल, माफी चाहता हूं कुछ लोग हो सकता आपको चिढ़ाएं भी हॉस्टल में, मैं तो कहता हूं जब आप पढ़ने बैठे इसको पहन के पढ़ने बैठे, जिस दिन आपका मूड ज्यादा अच्छा काम कर रहा हो उस दिन चाहे ना पहने, जिस दिन थोड़ा सा मूड हो कि मुझे मेडल पहनाया गया है, उस मेडल को वैसे आप जब आप थक जाएं इसको हाथ में लें कि मुझे इसको सिल्वर में या गोल्ड में चेंज करना है, वैसे ये मेडल आपके लिए केवल परंपरा है, तो माफी चाहता हूं आप इस परंपराओं का बन जाएंगे। मेरा एक डायलॉग है, आज तक तो जो तुम करते आए, ये सब पे लागू होता है, आज तक जो तुम करते आए वही करते रहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है, नया कैसे मिल जाएगा। वो चाहे टीचर्स हो, चाहे संस्था के मालिक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, एक बात सुनना बेटा, आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है, मुझे आपसे ज्यादा प्रेशर रहता है, मुझे मतलब संस्था के प्रधान को, डायरेक्टर को, मुझे आपसे ज्यादा लोड रहता है। इस पर भी कहानी बताऊं छोटी सी, काम सबको करना पड़ेगा, आप अभी सोचते होंगे बहुत काम करना पड़ रहा है। मैं मेरे बेटे से मिलकर आया था, अभी बेंगलोर है वो एनआईटी में, उसको मैंने कहा कि तेरी कॉलेज के कितने महीने बाकी हैं अभी, तो उसने कहा पापा मेरी कॉलेज के 20 महीने बाकी हैं। मैंने कहा तेरी जिंदगी में इन 20 महीनों से अच्छे जिंदगी कोई महीने नहीं आएंगे। पापा क्या बात कर रहे हो, ये मजे हैं क्या। मैंने कहा ये मेरे को भी लगता था कॉलेज में, अब वो कॉलेज बहुत याद आती है। तो मैं भी कहता हूं ये जो दिन है 12th वाले, जिंदगी में इनसे अच्छे दिन दोबारा नहीं आएंगे, इस दिन को एंजॉय करें पढ़ाई के साथ। अभी तो कुछ काम नहीं करना पड़ रहा आपको, अभी कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसके बाद आपको आईटी पीएमटी कंपटीशन, फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रेशर, सिलेक्शन हो गए तो भी डिग्री का प्रेशर, डिग्री के बाद फिर मेडिकल के बाद पीजी करने के लिए प्रेशर, फिर जॉब का प्रेशर, फिर 1 से 2 हो जाओगे तो घर चलाने का प्रेशर, फिर आगे प्रेशर बढ़ते जाएंगे और तब तक पता नहीं चलेगा कब आप 45 की एज में आ जाओ। मेरी बात याद रखना, तब याद आएगा दिन तो वही ठीक थे, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, फायदे में रहोगे, इन्हें को एंजॉय कर लो, ये सबसे प्यारे दिन है तुम्हारे। एक जंगल में
एक हिरण और एक शेर. शेर मतलब राजा, हिरण मतलब बेचारा थोड़ा भोला और सिंपल पशु. तो शेर और हिरण, वो यार शेर से क्या तुलना करे, तुलना क्या करनी है, काम दोनों करना है. जंगल में एक शेर है, एक हिरण है, शेर का नाम आते. देखो आदमी बड़ा जोरदार है, आप किसी को कहो तू जानवर है क्या, गुस्सा हो जाता है. तू शेर है क्या, शेर क्या है. आदमी क्या बहुत अजीब सत्र का प्राणी है. आप किसी को कहो तो आधा पागल है, वो गुस्सा हो जाएगा. आप आधे समझदार हो, अर्थ एक ही है, फिर खुश जाता है. इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग भी ठीक कर लिया करो. नाराज वाले शब्द मत कहा करो किसी को, आधा पागल मत कहो किसी को, आधा शाणा कह दो. जानवर मत कहो, शेर कह दो किसी को, खुश हो जाता है अगला. जो जान शेर भी जानवर ही तो है. तो डियर, एक जंगल में एक हिरण है, एक शेर है. शेर का नाम आते ही वो साहब यूं, जैसे नाम आया किशन जी का, हो यार संस्था के मालिक है, वो मजे हैं, गाड़ी घोड़े से मजे कर रहे हैं, है? स्टूडेंट है, कोई जिंदगी है क्या, सुबह से शांत पढ़ना पड़ता है. शेर का नाम आते ही साहब बड़ी चीज, हिरण है बोला साहब सीधा बेचारा है पशु पक्षी पशु. दोस्तों क्या फर्क है दोनों में. एक हिरण सुबह उठता है, उठते ही उसका पहला टारगेट पता है क्या होता है, कि मुझे दौड़ना पड़ेगा नहीं मुझे शेर खा जाएगा. हाँ या ना, और नहीं दौड़ेगा तो शेर खा भी जाएगा. हिरण को दौड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है, और शेर को उठते ही यह सोचना है कि भाई आज तो दौड़ना पड़ेगा नहीं शिकार हाथ नहीं आएगा, भूखे मर जाएगा. हिरण इसलिए दौड़ता है कि जान बचानी है, शेर इसलिए दौड़ता है कि शिकार करना है. दोस्तों आप चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे 60% वाले हो, जो 90% वाले हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दौड़ना दोनों को पढ़ना है, काम सब करना पड़ेगा. विवेकानंद जी की एक लाइन बहुत अच्छी है, जग जाहिर है वो, कि जब उठो तभी सवेरा समझो. अक्टूबर के महीने में आज हम इस तरह की बात कर रहे हैं. आज मैं दावे से कह सकता हूं, यदि कोई स्टूडेंट आज भी अपने ढंग से चोटी बांध लेना, मुट्ठी बंद कर ले कि मुझे इतने परसेंटेज लेके आने हैं, वो ला सकता है. कोई बड़ा टास्क नहीं. आज भी बोर्ड के एग्जाम के पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 20 फरवरी का एग्जाम है. आप भी, आपके पास 110 दिन है. 110 दिन में आप अपनी कहानी को जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो. तो बच्चों मैं तो जिस बातों के साथ आपसे जुड़ना की कोशिश कर रहा हूं कि आप बहुत ईमानदारी के साथ अपने आप के साथ इंसाफ रखें, अपने टीचर्स पे, सिस्टम पे, व्यवस्थाओं पे विश्वास रखें. और ये परसेंटेज आज सुन लो, ज्यादा आ गए तो कोई 30 मार नहीं बन जाओगे, और कम आ गए तो फेल नहीं हो जाओगे. माफी चाहता हूं, एक बात कह रहा हूं, हो सकता है मेरी बात अव्यवहारिक हो. किसी भी स्कूल के, मैं टगर की बात नहीं करता, मैं सब स्कूल बात, किसी भी स्कूल के साइंस के पिछले 3 साल के 5 टॉपर बच्चों नाम ले लो, लिस्ट ले लो स्कूल से, मैं दावे से कह सकता हूं वो पांचों के पांचों बच्चे आईआईटी या मेडिकल में नहीं जा पाते हैं, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं. और नीचे वाले बच्चे कई बार निकल जाते हैं, अपने यहां भी होता होगा, मेरे यहां बहुत बार होता है. जिनको हम टॉपर मानते हैं, पता लगा वो तो बाहर हो गया, एक छोरा नीचे से कूद के आ गया. जिस जगदीश नाम के लड़के ने, कृष्ण भाई इस बार सीएलसी को 130 रैंक दी है, मैं स्वीकारता हूं मंच पे खड़ा होके, मैं उस बच्चे को एग्जाम तक जानता ही नहीं था, मुझे स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है. मैं मेरे टॉपर को जानता ही नहीं था, कि जानने मतलब ये टॉप कर जाएगा क्या. केवल लास्ट के 2 महीने में, लास्ट का टाइम बहुत कीमती है. अब सेशन लास्ट की ओर आ रहा है. अंत भला सब भला कहने का मतलब है, लास्ट का जो एक होता ना कोई चीज का अचीवमेंट, जो क्लाइमेक्स बोलते हैं आपकी भाषा में. अभी विराट का फोटो दिखाया, क्रिकेट के मैच के लास्ट के 5 ओवर होते हैं, तो मैं कह सकता हूं सेशन लास्ट ओवर में आ गया. तो आप घर जाओगे, दीपावली का त्यौहार आएगा, होली 20 मार्च की है, मुझे तो उंगली भी डेटा याद है, 20 मार्च के पहले आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, उसके पहले कोई त्यौहार नहीं आएगा, दिवाली के बाद त्यौहार एग्जाम वाला आएगा. इसलिए इस अंतिम प्रसाद को, अंतिम भोजन को इतना बढ़िया से लो. सिलेबस आपका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है. एक बात और सुन लो भाई, आप अपने जिंदगी को जिस भाव बेचना चाहते हो ना बिक जाएगी. ये इस पे मुझे एक एग्जांपल याद आ गया बीच में, वापस उस पर बाद में आता हूं. आप हकीकत में जो कहा ना कि सोचोगे वैसे हो जाओगे, जो तुम तुम्हारी कीमत चाहोगे तुम्हारी कीमत वो लग जाएगी, बट केवल डिपेंड करता है कीमत लगाते कहां पर हो. एक कोई व्यक्ति था, वो अपने गुरु के पास गया, अपने गुरु से कहा कि साहब मेरी कीमत क्या हो सकती है, आदमी क्या है, आदमी कीमत क्या होती है. गुरु ने कहा यार प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं तेरे को समझाऊं तो एक काम कर, मेरा काम कर,
ये पत्थर ले ले एक। और गुरु ने उस बंदे को पत्थर दिया, और तू इस पत्थर को तेरे गांव की चौपाल से लेके और दिल्ली तक इसके मोल भाव करके आ जा, बेचना नहीं तेरे कहीं भी। वो आदमी सबसे पहले सातू गांव आया, रस्ते में समझ लो गांव आया सातू, वो गांव के ग्वाड़ में दुकान होती है सब्जी वाले की, उसके पास गया। तो उस दुकानदार ने कहा ठीक है यार, खिलो चिकना पत्थर है, घर में छोटा बच्चा खेल लेगा, एक किलो आलू ले ले इसके। सातू के गांव के दुकानदार क्या कहता है, सातू मतलब कोई गांव मान लो, वो उस पत्थर के एक किलो आलू देता है, पर उसको तो गुरु का आदेश था कि पत्थर बेचना तेरे को है ही नहीं। वो फिर तारानगर आया, तो यहां थोड़े जो सोनी होते हैं अपने सुनार भाई, उनको लगा कुछ ठीक है, उन्होंने कहा भाई 1000 रुपए ले ले। फिर चूरू गया तो बड़े सोनी मतलब जो बड़े होते हैं जो, तो उनका 5000 ले ले। वो सीकर गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली के बड़े जोहरी के पास जाके पत्थर रखा, वो जोहरी खड़ा हो गया, मखमल लेके आया, मखमल को बिछाया, उस पत्थर को रखा, उसको प्रणाम किया और उसे कहा कि भाई कहां से लाया है, इसकी कोई कीमत नहीं, मेरा शोरूम ले ले और तू जो मांगे ले ले, ये नायाब हीरा है, तू लाया कहां से है ये बता दे, ये सब कुछ मेरा तेरे नाम कर दू, मुझे दे जाए। वो गांव का आदमी चक्री खा गया, कहा 1 किलो आलू उस कार्यक्रम शुरू हुआ, और कहा वो दिल्ली के किसी शोरूम को देने के बाद भी पैसा ऊपर से और दे रहा है। वो दौड़ा 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 अपने गुरुजी के पास आया कि गुरुजी मेरे समझ में नहीं आया, 1 किलो आलू से लेके करोड़ों रुपए कीमत हो गई। तो गुरुजी ने कहा बेटा कीमत तेरी नहीं है, कीमत यह कि तू अपने आप को बेचता किन हाथों में है, तू रहता किन के बीच है। और मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों, तुम किसी गांव की सब्जी मंडी के 1 किलो आलू बेचने वाली दुकानदार के पास नहीं हो, तुम दिल्ली के जोहरियों के पास बैठे हो, ये तुम्हारी कीमत आंकेंगे। और इसी की देन है कि यही संस्था होती है, पढ़ाने का काम सब करते हैं, सारे साइंस से पढ़ाएंगे, लेकिन वो किस भाव से पढ़ाते हैं आपकी कीमत, आप एक नायाब हीरे हैं। और एक प्रश्न अपने दिल से पूछना कि क्या जो भी आपका नाम है, क्या नाम आपका, प्रकाश नाम है, अपने आप से पूछें कि प्रकाश क्या तू संतुष्ट है खुद से। दोस्तों हम पैदा करने वाली मां से झूठ बोल सकते हैं, जिसने 9 महीने अपना खून अपने पिलाया, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। खुद से पूछ के प्रकाश क्या तू संतुष्ट है, और दावे से कहता हूं अंदर से आवाज आ जाए हां प्रकाश मैं संतुष्ट हूं तेरे से, दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती, गारंटी है मेरी। बट ये जवाब आना बहुत मुश्किल है। एक बात कहता हूं, ऊर्जा ऊर्जा पानी में होती है, एक पानी वो जो खेत में सिंचाई करता है वो पानी है, वो ऊर्जा फसल पैदा करती है, ऊर्जा बाढ़ के पानी की भी होती है जो तबाही मचाती है। ऊर्जा का रोल नहीं है, ऊर्जा का रूप क्या है, एनर्जी का फॉर्म क्या है, एनर्जी का फॉर्मेट क्या है, इसलिए प्लीज रिगार्ड तो करना आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं आपको एक सेव दे दूं बच्चों, ये आप खुद भी क्या करो बातें, मैं आपको सेव दे दूं, एक चाकू दे दूं और मैं कहूं इसको काट के बताओ इसमें बीज कितने, आपको कोई सेव दे दे एक चाकू दे दे और ये कह दे कि साहब बताओ इस सेव में कितने बीज हैं, ये दुनिया का कोई प्रश्न नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी इतनी गिनती जानता है सारण साहब कि वो काट के बता देगा, बट मैं आपको एक सेव का बीज दे दूं, जितने लोग बैठे हैं एक सेव का बीज दे दूं और मैं कहूं बता इसका पेड़ बनेगा, अब बता इसके कितनी सेव लगेगी, तो बता सकता है क्या भगवान के अलावा। ए भाई तू सेव नहीं है कि कोई भी तेरे को काट के मतलब तेरे भविष्य के अनाउंसमेंट कर दे, आप एक बीज हैं, आप में अनंत संभावनाएं हैं, आप में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन उस संभावनाओं के लिए आप एक बीज हैं जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, बट अनंत संभावनाएं तभी हैं जब वो बीज अपना वजूद मिटा के जमीन में जाके दबता है और अपने अंदर से फूटता है, तब वो पेड़ बनता है। आपको अपनी हस्ती मिटानी होगी, आपको अपनी हस्ती मिटानी होगी यदि आपको एक अनंत संभावनाओं वाला पेड़ बनना है। फ्रिज में रखा हुआ बीज दोस्तों कभी सेव नहीं बन सकता। एक बात कहूं बच्चों, हवाई अड्डे पे जो पट्टी होती है, मैंने कहा ना हमने आपको नीचे क्यों बैठाया, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था किशन जी को चेयर नहीं लगानी, इनका नहीं है भाई साहब आप आ रहे हो चेयर लगाएंगे, कुछ नहीं चेयर लगानी, क्यों सुन छोटे भाई, हवाई जहाज चाहे कितना ही क्वालिटी का हो, हवाई जहाज की स्पीड कुछ भी हो, हवाई जहाज चाहे कितना ऊपर उड़ जाए, रफाल लिया हो चाहे कुछ भी लिया हो, उड़ना जमीन से ही पड़ता है।
ये हवाई पट्टी है तुम्हारी, ये हवाई पट्टी है आपकी, जहां से आपका प्लेन टेक ऑफ हो रहा है। जब इस पे चलो ना शाम को हॉस्टल में आओ, तब ये बच्चे आते होंगे तो चलते समय माना करो मैं टेक ऑफ हो रहा हूं यहां से। एक चीज आपको और कहना चाहता हूं, एक बार आंखें बंद करें सब लोग आप, मैंने अब तक तीन ही बात कही है, तू श्रेष्ठ है, तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, और तू वो कुछ भी कर देगा जो तू चाहता है। अब आंखें बंद करके सोच तुझे करना क्या है, अपने ड्रीम को पाल, तुझे क्या करना, कितने परसेंट चाहिए ये सोच ले, 12वीं के बाद आईटी में जाना है, मेडिकल में जाना है, कहां जाना डिसाइड कर ले। एक बस एक मिनट ले रहा हूं खुद से आपसे, आंखें खोले, मैंने आपको 2 से 3 घंटे दिए हैं, एक बात मेरी मान लेना, इसको जाके कागज पे लिख देना बस, पर वो पता तेरे अलावा किसी को नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चीज का, बस लिख देना कि आज ये सोचा है, और जब रिजल्ट आए उस तरह पूरा हो जाए तो एक फोन मुझे कर देना कि सर मैंने पूरा कर दिया, और सीकर आके मुझे थैंक्स बोल देना कि सर आप आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी आज की आपकी गुरु दक्षिणा रहेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी 4 लाइनें जो मेरे बच्चों के लिए कहता हूं, मेरी फीलिंग जो आपके लिए है, मेरी पेट लाइनें हैं जो मैं जहां बच्चे मिलते हैं उनके लिए, आप हो सकता मुझे भूल जाएं, इन 4 लाइनों को याद रखना, और आप अकेले बैठे बैठे परेशान से कहीं हो रहे हो तो याद रखना कि कोई आदमी है, ये लाइन केवल 3 लोग कह सकते हैं, 3 दो ही कह सकते हैं, पेरेंट्स या टीचर। क्या कह सकते हैं कि मेरी दुआओं में इतना असर हो, जब भी थक जाओ रुक जाओ तब फिर चलने के लिए, कि मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, पिता या टीचर, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियां मिले तुझको सारे जमाने की, आतन लाड लडावार है, आतन लाड लडावार है, तेरे संग प्यार निभावा, आतन लाड लडावार है, तेरे संग प्यार निभावा, बाकी सब जिंदगी का इससे बड़ा गुरु मंत्र नहीं है कोई, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। पूरी बात का निचोड़, पूरी लाइफ का सार, मस्त रहो, खुद मस्त रहो और अपनों को मस्त रखो, जिंदगी में आपके अपनों को अपने होने का गर्व हो सके, आपको आशीर्वाद है, आपको शुभकामनाएं, थैंक यू। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि यह सूरत बदलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि यह सूरत बदलनी चाहिए, आग मेरे सीने में ना सही। माननीय श्रवण जी सर को आपने अब तक देखा होगा, आज आपने सुना, कहना चाहूंगा कि आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर यह आग जलनी चाहिए। एक सच्चे शिक्षक के रूप में माननीय श्रवण जी सर को आज तक हमने सुना देखा, लेकिन आज इनके शिक्षा के विचारों को मैंने अकेले सुना था, मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा सर, ये वो एनर्जी थी जिसको मैं
पिछले एनुअल फंक्शन में लॉन्च करना चाह रहा था, लेकिन आज मैं टीम टैगोर की तरफ से, हर एक टीचर की तरफ से, आपने जो हम बच्चों को, हम भी आपके बच्चे ही हैं सर, आपने हमें जो एनर्जी बख्शीश की है, आपने हमारे नौनिहालों को जो एनर्जी बख्शीश की है, मैं टीम टैगोर की तरफ से आपको हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये वंदन है उस शिक्षाविद के नाम जो बिना किसी स्वार्थ के शिक्षा को सेवा बनाता है। ये वंदन है टीम टैगोर का उस सीकर के नाम जो वास्तव में असली उड़ानों को पंख देता है। पुरजोर तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये हमारा जोश है, जुनून आपको समर्पित है। हम चाहते हैं कि ये सूरत इसी तरह रहे। अब चार से सर बहुत कम संख्या बता रही है, हम वो जुनून, वो जिद आपके पास भेजेंगे कि ये चार से कब 40, कब 40 से 400 होगी, ये बढ़ते हुए हाथ बताएंगे, इनके उड़ते हुए पर बताएंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।